हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉर्जेस बेसिक मैथ्स। तो भाई, आज की बेसिक मैथ सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बोर्ड मास। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले जो भी क्लासेस हमारी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल हम कौन क्या टॉपिक है हमारा, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल जो होता है वो होता क्या है, इस तरीके से ही लिखा जाता है, बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है, ये क्या है हमारा, बोर्ड मास है। और हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, इसी मीनिंग को अगर हमने फॉलो कर लिया तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, तो भाई देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। भाई बी से क्या होता है, बी से होता है हमारा ब्रैकेट। ठीक है, अब कहोगे ब्रैकेट क्या होते हैं, तो ब्रैकेट जो होते हैं वो हमारे कोष्टक होते हैं। जैसे छोटा ब्रैकेट, ये हमारा मझला ब्रैकेट, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये हमारा मिडिल ब्रैकेट, और ये हमारा बिग ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ मतलब का हम सेंस किससे लेते हैं, मल्टीप्लाई से ही लेते हैं। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है भाई, डिवाइड मतलब भाग, क्या कहते हैं इसको, भाग। फिर नेक्स्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, नेक्स्ट जो है वो है हमारा एम। एम से मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल से गुणा। ठीक है, ए का मतलब होता है हमारा एडिशन। ठीक है, क्या होता है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है हमारा, जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, ये इसके मतलब होते हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। जो चीज पहले है उसी चीज को पहले सॉल्व करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में, जैसे कि यही क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास इसमें प्लस भी है, भाग भी है, माइनस भी है, तो हमारे पास भाग वाला पहले आया है ना, कहाँ गया, डिवीजन पहले आया है, तो इस वाले हिस्से को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्लस वाले को, फिर माइनस वाले को। जैसे कि इसमें ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट में माइनस हो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, फिर भाग वाला, फिर हम प्लस वाला। जैसे कि यहाँ पे तीन ब्रैकेट दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। मतलब जो ऊपर वर्ड लिखे हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले, ऑफ वाला है तो ऑफ पहले, डिवीजन है तो डिवीजन पहले, ऐसा नहीं करेंगे। एडिशन से पहले हम डिवीजन से पहले हम एडिशन कर लें, तो सीरीज गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जहां पे हमको क्या दिया गया है, 4 + 5 और डिवाइड करना है 5 से -2। हमारे पास 3 है, ठीक है, एडिशन है, डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है। तो डिवीजन तो पहले था, बोर्ड मास में हम बोर्ड मास लिखते हैं BODMAS, तो डिवीजन वाला सबसे पहले आया, तो डिवीजन वाला हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और डिवीजन वाला सॉल्व किसका करेंगे, इस साइन के एक पहले वाला और इस साइन के एक बाद वाला। ठीक है, 4 + को हम लिख देंगे, उधर -2 को भी लिख देंगे, 5 / 5, या कह लो 5 / 5, इसको इस तरीके से लिख सकते, काट देंगे, 5 + 5, 5 + 5। तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब 4 + 1 - 2। अब हमारे पास प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, तो हमें पहले क्या सॉल्व करना है, एडिशन सॉल्व करना है ना। तो एडिशन मत, जितने प्लस वाले हैं उनको पहले सॉल्व कर लो। तो 4 भी प्लस का है 1 भी प्लस का है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, अब -2। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन है लास्ट में, अब हम घटाएंगे, घट के हमारा 3 आ जाएगा। अब देख लिया, इसी बोर्ड मास रूल में ही पूरे नियम छुपे हुए हैं, इसी को फॉलो करते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है, आया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कई सारे क्वेश्चन जो आए वो हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो अब करेंगे अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा साइन दिया है भाई, एडिशन दिया है, डिविजन दिया है और ब्रैकेट दिया है। क्या दिया गया है, ब्रैकेट दिया है। तो बोर्ड मास में BODMAS
ए एस। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट मतलब ये वाला हिस्सा पहले सॉल्व करना है, बाकी सबको हम क्या कर देंगे उतार देंगे। 35 प्लस 12 भाग, बाकी सबको उतार देंगे। ब्रैकेट में क्या है, 8 माइनस 5, मतलब 8 माइनस 5 को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस इसमें कोई भी चिन्ह हो ब्रैकेट में, उससे कोई मतलब नहीं है, पर ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसको सॉल्व करेंगे। 8 में से 5 गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 3। अब हमारे पास क्या है, एडिशन है, डिविजन है, तो डिवीजन वाले को पहले करना है ना, तो अभी एडिशन वाले को ऐसे का तैसा लिख दो, ठीक है। अब हम 12 बटे में क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो हमारे पास क्या आ गया, 35 प्लस 4, एडिशन बचा है इसको जोड़ दो तो हमारा क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रैकेट दिए गए हैं, छोटा ब्रैकेट भी है, मझला ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, छोटा वाला, मतलब स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को, ठीक है। तो बाकी जो है हमारे उनको उतार देंगे, बड़ा ब्रैकेट में जो भी है उसको हम उतारते हुए चलेंगे, और जो हमारा मिडिल ब्रैकेट है उसको भी हम उतारते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है छोटे ब्रैकेट को। छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 का मतलब हुआ 9, हमारा ब्रैकेट खत्म, ठीक है। अब हमारी बारी आती है मझले ब्रैकेट की, मतलब मिडिल ब्रैकेट की, ठीक है। अब हम 16 माइनस तो लिख देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे जो मझले ब्रैकेट के अंदर है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 5 और 9 14, हमारा मझला ब्रैकेट खत्म। अब हमारा बड़े ब्रैकेट की बारी है, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 4 मतलब 2, अब हमारे पास प्लस बचा है, जोड़ दो इसको, बस हमारा क्वेश्चन खत्म। इतना इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, देखा आपने। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमारे पास डिवीजन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन फिर से है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास लिख लो चाहे तो, BOD MAS, नहीं समझ में आता तो सबसे पहले लिख लो। हमने सबसे पहले क्या करना है भाई, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवीजन तो है, तो सबसे पहले डिवीजन वाले को करो। डिवीजन वाले हम करेंगे किसको, इस साइन से पहले वाला, इस साइन से बाद वाला, तो मतलब 16 लिखेंगे, बटे में 4 कर देंगे, बाकी सबको जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम उतार देंगे, ठीक है। काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, तो हमारा क्या आ गया, 4 प्लस 18 गुणे में 5 माइनस का 3 प्लस का 2। अब हम किसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले को, इस साइन से एक पहले वाला, इस साइन से एक बाद वाला, बाकी सबको वैसा का वैसा उतार देंगे। 18 पंजे कितना होता है, 90, ठीक है। -3 प्लस 2, अब प्लस वाले जितने हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एडिशन करना है, तो हमारे पास प्लस वाला एक ये है, एक ये है, एक ये है, सबको जोड़ देंगे भाई। 4 और 2 हमारा हुआ 6, 6 में 90 जोड़ा तो हो गया हमारा 96, फिर -3, अब घटा दो तो हो जाएगा हमारा 93। आपने देखा ना, इतना टफ क्वेश्चन लग रहा था दिखने में, सॉल्व हो गया कितना इजी इजी तरीके से हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया अब हमारा, ठीक है। तो आज जो है वो यहीं तक था, कुछ क्वेश्चन हमने कराए हैं, और हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगर आप लोग कहोगे तो हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैम और प्रैक्टिस कराइए, तो और हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कराई हुई है पहले से ही, वो आप वहां पे जाकर देख सकते हो, लाइव में हमने प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। फिलहाल अभी लाइव क्लासेस नहीं हो रही क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। कल का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है, कल का टॉपिक जो रहने वाला है हमारा विलोपन विधि रहने वाला है, वहां पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर हमारा प्रतिस्थापन विधि होने वाला है, ये कई सारे टॉपिक जो है वो ऑलरेडी हमने डिसाइड करके रखे हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।